हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिवीजन का प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है राइट 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू डिवाइड अ नंबर स्टोर्ड एट 2000H बाय द नंबर्स स्टोर्ड इन 2001H। देखिए, हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं, एक नंबर जो 2000H पे है और दूसरा जो नंबर है ये 2001H पे है। अब 2000H पे जो नंबर है उसको हमें डिवाइड करना है 2001H के नंबर से। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर 11 है 2000H में, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से जो कि 2001 पे है। अब ये जो नंबर्स रहते हैं इसको जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं हम डिविडेंड। और ये जो नंबर रहेगा उसको कहेंगे हम डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो नंबर्स हैं। अब ओवरऑल मैं इसकी कंसेप्ट सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसका हम प्रोग्राम देखेंगे। तो देखिए, जनरली जैसे ही हम डिवाइड का ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास डिवीजन वाली इंस्ट्रक्शन रहनी चाहिए, बट 8085 के केस में हमारे पास डिवीजन वाली इंस्ट्रक्शन नहीं है। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाली। अब सब्ट्रैक्शन वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमें यूज़ करना है मल्टीपल टाइम्स सो दैट यहाँ पर डिवीजन हो सके। मल्टीपल टाइम्स कैसे यूज़ करना है मैं यहाँ पर वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 माइनस 2 करेंगे। अब 11 माइनस 2 का जो आंसर रहता है ये रहेगा यहाँ पर 9। अब ये जो 9 मिला है ये इसको फिर से 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमें ये आंसर यहाँ पर मिलता है 7। अब ये जो 7 है इसमें से फिर से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5। अब 5 माइनस 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है 3। और 3 माइनस 2 करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 मिलता है। अब 1 माइनस 2 हम आगे नहीं करेंगे, यहाँ पर हम प्रोसेस स्टॉप कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देखिए कितने बार ये ऑपरेशन किया, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, दिस इज थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ टाइम। हमने 5 बार ये ऑपरेशन किया। अब हमने ये ऑपरेशन कब तक किया ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप डिवीजन का प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है हमने तब तक किया जब तक हमारा ये जो है डिवाइजर, देखिए ये जो डिवाइजर है ये लेस देन, ये डिवाइजर एक्चुअली है ये देखिए 2, ये ग्रेटर देन, हम यहाँ पर लेस देन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लेस देन रिमाइंडर नहीं हो जाता तब तक, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है जब तक ग्रेटर था तब तक हम डिवीजन का ऑपरेशन करते रहते थे। और जैसे ही ये लेस देन हो गया, रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर हो गया, यहाँ पर हमने ऑपरेशन स्टॉप कर दिया। एक्चुअली ये सिंबल ऐसा चाहिए था, ग्रेटर देन नहीं, ये एक्चुअली लेस देन चाहिए था, तो सॉरी ये ग्रेटर देन चाहिए था इंस्टेड ऑफ लेस देन। तो डिवाइजर की वैल्यू जब तक ग्रेटर थी हम ये ऑपरेशन करते गए, और जैसे ही डिवाइजर की वैल्यू रिमाइंडर से यहाँ पर बड़ी रहेगी उस वक्त हमने ये ओवरऑल ऑपरेशन स्टॉप कर दिया है। अब यही कंसेप्ट हमें प्रोग्राम में उतारनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये जो यूज़ किया है 1 2 3 4 5, ये अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये 5 जो है ये है यहाँ पर हमारा आंसर जिसको हम कहते हैं क्वोशंट, ठीक है। और ये क्वोशंट हमें स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन 2002H पे। और ये जो रिमाइंडर रहेगा, ये वाला जो है मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, 1 रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमें स्टोर करना है 2003
थ्री इज मेमोरी लोकेशन पे। अब ओवरऑल ये ऑपरेशन कैसा है तो उसके लिए देखिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन जिसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे मल्टीपल टाइम्स सब्ट्रैक्शन। ये देखिए हम सब्ट्रैक्शन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, और इसके साथ हम दूसरा जो चेक करेंगे वो रहेंगे करेंगे इसका कंपैरिजन। तो सब्ट्रैक्शन करना है कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन क्यों करना है उसके पीछे का रीज़न है कैरी जो है ये हमें चेक करना है। देखिए हमारी दो कंडीशन है एक्चुअली, जब तक ये रिमाइंडर जो है रिमाइंडर ये डिवाइजर से ग्रेटर है तब तक हम ये ऑपरेशन कर रहे थे, और जैसे ही रिमाइंडर जो है ये लेस देन डिवाइजर हो गया देखिए, या फिर हम कह सकते हैं डिवाइजर जब ग्रेटर देन रिमाइंडर हो गया उस पॉइंट पे हमने ये ऑपरेशन स्टॉप कर दिया। उसके लिए ही हमें कैरी फ्लैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हम फर्दर ये मल्टीपल टाइम्स लूप लगाने में यहाँ पर उसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं और प्रोग्राम कैसा है ये समझते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारा जो लोकेशन है, देखिए मैं यहाँ पर एलेक्सा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेमोरी पॉइंटर यूज़ करना है जो सिक्वेंशियल मेमोरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो एलेक्सा एच कॉमा 2000H मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब इसका मतलब है 2000H ये जो वैल्यू है HL रजिस्टर पेयर में, HL रजिस्टर पेयर जो रहेगा इसमें 2000H ये वैल्यू फीड कर दो। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मेमोरी पॉइंटर। अब हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगी ये है यहाँ पर मूव बी कॉमा एम। अब हमने जो मेमोरी का डेटा है, अब मेमोरी पॉइंटर जो डेटा इंडिकेट कर रहा है, मेमोरी पॉइंटर यहाँ पर देख सकते हैं आप 2000H इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये जो 2000H है इसका डेटा अब हमने कॉपी कर दिया है बी रजिस्टर में, क्योंकि ये जो है हमें डेटा कहीं पे लेना पड़ेगा, जो डिविडेंड की वैल्यू है वो हमें कहीं पर लेनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको बी रजिस्टर में यहाँ पर स्टोर कर दिया है। अब मेमोरी पॉइंटर हम इंक्रीमेंट करेंगे सो दैट नेक्स्ट नंबर हमें हम ले सके। तो यहाँ पर मैं INX यूज़ कर रहा हूँ, INXH ये क्या करता है HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। इसका मतलब है अब HL रजिस्टर की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 2001H, रजिस्टर पेयर में की वैल्यू अब 2001H हो गई। अब हमें ये जो वैल्यू है इसको फिर से कहीं पर लेना है यानी किसी रजिस्टर में स्टोर करना है। अब बी रजिस्टर हो गया तो सेकंड रजिस्टर में सी यूज़ करता हूँ, सी कॉमा एम। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मैंने इनिशियली गेट द डिविडेंड के लिए ये दो स्टेप्स की थी पहली, और दूसरी जो दो स्टेप्स है ये यूज़ की मैंने डिवाइजर के लिए। ठीक है, पहले मैंने डिविडेंड लिया और उसके बाद मैंने डिवाइजर लिया, तो इस तरह से मैंने दो स्टेप की। अब देखिए ये जो है हमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इनिशियली ये वैल्यू 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, तो ये वैल्यू एक्चुअली इंक्रीमेंट हो रही है जो कि क्वोशन्ट की वैल्यू है। हमें क्वोशन्ट डायरेक्टली नहीं मिलेगा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में, हमें जो मिलता है वो रिमाइंडर मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 9753 और 1 ऑल दीज आर दी रिमाइंडर्स। अब हमें रिमाइंडर मिल रहे हैं, क्वोशन्ट की वैल्यू जो है हमें एज अ एक काउंटर करके यूज़ करना पड़ेगा जो एक एक से इंक्रीमेंट होगा जैसे जैसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यहाँ पर रिपीट होगा तब तक। तो यहाँ पर देखिए अब मैं जो क्वोशन्ट है उसके लिए इनिशियली एक पॉइंटर डिसाइड करता हूँ जिसकी वैल्यू 0 करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर के लिए बी यूज़ किया सी यूज़ किया। अब हम यूज़ करते हैं डी रजिस्टर, तो डी इक्वल टू 00H कर देते हैं, इससे क्या हो जाएगा अब डी रजिस्टर में 00 वैल्यू हो जाएगी स्टोर। अब हमें क्या करना है, अब इसका मतलब है डी रजिस्टर इक्वल टू 00 सिंपली। ठीक है, इसमें हमने 2001 की जो वैल्यू थी ये कॉपी कर दी है सी रजिस्टर पे। मैं इसको कुछ इस तरह से ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, रजिस्टर है तो वैल्यू है तो डायरेक्टली नंबर से इंडिकेट कर रहा हूँ। अब देखिए
जैसे कि हमने यहाँ पर डी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 से, अब हमें जो डिविडेंड है ये फिर से लेना है। देखिए हम हर बार ये जो डिविडेंड है आप देख सकते हैं, सॉरी ये जो डिवाइज़र है ये डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है इसको किसी रजिस्टर में लेंगे। अब किसी रजिस्टर में कहने से अच्छा है इसको हम एक्यूमुलेटर में लेंगे, सो दैट ये जो रिमाइंडर है इससे उसको हमेशा के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट जो है ये डिविडेंड, मैं डिवाइजर बोला था शायद पहले मैंने, तो ये 11 हो गया, ये 9 हो गया, या फिर 9 7 हो गया, ये सब वैल्यूज एक्चुअली चाहिए हमें एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर में चाहिए इसीलिए मैं इसको एक बार फिर से मूव करूँगा, मूव ए कॉमा बी, यानी बी की जो वैल्यू है। अब बी में प्रीवियसली वैल्यू देखिए कौन सी थी, बी में हमारा डिविडेंड था, तो ये जो डिविडेंड है ये अब आ जाएगा एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर के लिए फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। सब्ट्रैक्शन के लिए SUB हमने क्या करना है, डिवाइजर जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब डिवाइजर की वैल्यू मैंने सी रजिस्टर में स्टोर की है इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंस्ट्रक्शन सब सी, ये क्या करेगा इसको सब्ट्रैक्ट करेगा। अब ये ओवरऑल देखिए पहला ऑपरेशन होगा 11 माइनस 2, और यहाँ पर आंसर आएगा 9। अब 11 माइनस 2 हो रहा है, आंसर 9 आ रहा है, फिर से ये जो 9 है अब एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, हमें फिर से ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। साथ में ये जो 1 है ये 1 होना चाहिए, बाद में 2 होना चाहिए, यानी जो हमने डी इक्वल टू 0 किया है ये इनिशियली 0 रहेगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से ये यहाँ पर इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ INR इंस्ट्रक्शन, INRD, इंक्रीमेंट डी रजिस्टर। अब यहाँ पर पहली स्टेप में आंसर आपको पता है 1 हो जाएगा। अब ये तो हो गया क्वेश्चन की वैल्यू, अब हमें जो कंडीशन मैंने प्रीवियसली बोली थी कि हमें चेक करना है, यानी हमें कंपेयर कंपेयर ऑपरेशन करना है, हम कंपेयर क्या करेंगे तो सिंपली सी का डेटा चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा CMP C, यानी कंपेयर सी विथ द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर और सी का डेटा कंपेयर होगा, और हमारा जो रिजल्ट है देखिए यहाँ पर दो तरह से रिजल्ट जनरेट होगा, एक यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ये नंबर जो है एक्यूमुलेटर का और हमारा सी रजिस्टर है, यानी देखिए एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर हो रहा है, या फिर हम जिसको कहेंगे इस केस में यहाँ पर ये जो है ये रिमाइंडर स्टोर हो रहा है, तो ये जो रिमाइंडर है और हमारा सी यानी यहाँ पर डिवाइजर की जो वैल्यू है ये अब चेक होगी। तो अगर ये लेस देन है तो हमें रुकना है, दूसरे केसेस में लेस देन हम बोल सकते हैं, या फिर इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू अगर है तो ऐसे, इक्वल टू भी नहीं, अगर ये लेस देन है या फिर 0 है तो ऐसे केस में हमें रुकना है, बाकी सब केस में ये हमें ऑपरेशन करना है। तो ऐसे में हम CMPC यूज़ करते हैं, जो कैरी फ्लैग सिर्फ तब जनरेट करेगा जब एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है ये लेस देन सी हो जाए। अब सी में डिवाइजर है और एक्यूमुलेटर में जो है हमारा ये देखिए रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर लेस देन सी अगर होता है तो हमें स्टॉप करना है, ठीक है। अब रिमाइंडर लेस देन सी ये जो है उसके लिए एक्चुअली रहेगा कैरी फ्लैग इक्वल टू 1, तो कैरी फ्लैग जब तक सेट नहीं होता है तब तक हमें क्या करना है यहाँ पर जंप करना है, यानी लूप रिपीट करना है। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ JNC इंस्ट्रक्शन, जंप ऑन नो कैरी। अब कैरी जनरेट नहीं होगा तब, क्योंकि इस रिजल्ट के लिए कैरी जनरेट होना है, तो उसके बाद हम रोकना है, हमें स्टॉप होना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, ये जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है आप देख सकते थे 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किया, तो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कंटिन्यू होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं JNC इंस्ट्रक्शन, और उसको लगा देते हैं लूप। अब मैं यहाँ पर लूप ले रहा हूँ जो सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये रहेगा। अब देखिए आधा काम कंप्लीट हो गया है। हाँ, अगर ये 0 नहीं है
ठीक है, कैरी फ्लैग अगर सेट होता है तो हमें क्या करना है, कैरी फ्लैग अगर सेट होता है तो उसका मतलब रहेगा ये वाला कंडीशन, 3 इज़ लेस देन 2, सॉरी 3 माइनस 2 से जो रिजल्ट आया है ये 1, तो 1 लेस देन 2 दैट इज रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर, ये कंडीशन सक्सेसफुल हो जाएगी। और ये जो है, अब आप जैसे कि आपको पता है हमें इस, ये हो गया रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर को स्टोर करना है 2003 इस मेमोरी लोकेशन पे, तो मैं यहाँ पर सिंपली कर दूंगा इसे को स्टोर। देखिए ये जो रिमाइंडर है एक्यूमुलेटर में जो दिख रहा है STA, उसके लिए यूज़ करेंगे हम STA इंस्ट्रक्शन, STA 2003 में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये 2003H रहेगा क्योंकि हेक्स में हमारा आंसर है, और ये जो है इसके बाद देखिए हमें 2003 पे रिमाइंडर स्टोर करना था, सिमिलरली 2002 पे जो है ये क्वेश्चन स्टोर करना है, तो क्वेश्चन जो है हमारा डी रजिस्टर में है, देखिए INR D किया है, तो इसको सबसे पहले हम एक्यूमुलेटर में लेके आएंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मूव इंस्ट्रक्शन A, D, इसका मतलब है D का डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी करो। अब फिर इसको स्टोर करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे STA इंस्ट्रक्शन फिर से, अब इसको स्टोर करना है हमें 2002 इस मेमोरी लोकेशन पे, और आखिरी में हम प्रोग्राम टर्मिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम की आखिरी लाइन है, तो आखिरी में आएगा HLD, इस तरह से ये प्रोग्राम होगा। दोस्तों कहीं जाइए मत, मैं यही प्रोग्राम अब सिमुलेटर पे रन करके बताऊंगा। सिमुलेटर पे जब मैं इसको रन करूंगा आप देखिएगा, हम यहाँ पर ये जो 11 है ये 11 की जगह पर वैल्यू जो रखेंगे ये 0B रखेंगे, क्योंकि 11 मैंने डेसिमल वैल्यू ली थी, अब मैं 0B उसका जो हेक्साडेसिमल है वो लूँगा और फिर से ये ऑपरेशन आपको करके बताऊँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिमुलेटर में ये प्रोग्राम कॉपी कर लिया है, आप यहाँ पर ये कमेंट पढ़ के हर एक इसका मीनिंग समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, और इसमें आप यहाँ पर राइट साइड में ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ये कमेंट्स भी देख सकते हैं। अब ओवरऑल देखिए सबसे पहले तो मैं सबको रिसेट कर दूंगा, अब हम प्रोग्राम को असेंबल करते हैं। यहाँ पर कुछ एरर आती है क्या? यहाँ पर कोई एरर नहीं है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन, अब हम ये प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। अब जैसे हमें मेमोरी लोकेशन 2000H से ये वैल्यू लेनी है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेमोरी लोकेशन 2000H सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं 0B सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो 1 है इसके जगह पर 02 स्टोर कर रहा हूँ। अब ये हो गया एक हेक्साडेसिमल नंबर, अब मुझे क्या करना है ये ऑपरेशन रन करके देखना है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो क्वोशंट है ये 2002 पे स्टोर होना चाहिए और रिमाइंडर जो है ये 2003 पे स्टोर होना चाहिए। इसका मतलब है इस लोकेशन पे हमें आंसर मिलना चाहिए 05 और यहाँ पर मिलना चाहिए 1, तो देखते हैं आंसर वैसे आता है क्या। तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर अगर रन किया तो देखिए अब यहाँ पर 05 आया और 01 आया, तो इस तरह से ये हमारा जो डिवीजन का प्रोग्राम है सक्सेसफुल हो गया।